उस समय हम विधानसभा अध्यक्ष थे, सर्वसम्मत प्रस्ताव भी यही था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने कहा कि अब हम नहीं कर सकते हैं। देखिए, अब मानेंगे कि नहीं मानेंगे ये तो उनका फैसला होगा, लेकिन हम लोगों की सोच है कि जो भी आदमी सही दृष्टिकोण रखेगा, सोचेगा, तो वो मानेगा। नहीं, वो तो वही ना कहे, अब वो मान लेंगे या नहीं मानेंगे हम कैसे कर सकते हैं। मान लेते तो बेहतर होता है, निश्चित। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में जाति आधारित गणना कराई जा रही है, लेकिन अब इसकी मांग देश में भी उठने लगी है। देखिए, राहुल गांधी हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सभी ने पत्र तो लिखा है। हमारे साथ इस वक्त बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी हैं। आपको याद होगा पिछले साल जब बिहार की ओर से प्रतिनिधिमंडल ने जाकर प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी, नीतीश कुमार उसकी अगुवाई कर रहे थे। विजय चौधरी उस वक्त बिहार सरकार में जो मंत्री हैं वो जेडीयू के ओर से थे। लगता है कि नीतीश कुमार ने जो राग छेड़ा, जाति आधारित गणना बिहार में कराई जा रही है, सरकार अपने खर्चे पका रही है, कितना जरूरी है ये? इसकी आवश्यकता या इसकी जरूरत, तो इसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि धीरे धीरे आज एक एक करके सारे प्रदेश के लोग, प्रदेश की सरकारें या पूरे देश की अलग अलग पार्टियां भी इसमें रुचि दिखा रही हैं। ये अपने आप में प्रमाण है कि ये कितनी उपयोगी और आवश्यक चीज है। सब लोग इसकी आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। और बात सीधी है कि अगर जो विकास की दौड़ में पीछे छूटे लोग हैं उनको कुछ विशेष योजना बना के या फिर उनके लिए अलग व्यवस्था करके कुछ नीति बनाने की बात होती है, तो जब तक उनकी संख्या मालूम नहीं होगी जो कितने लोग पीछे हैं, उनका समूह का चिन्हित नहीं किया जा सकेगा, तो फिर कैसे प्रभावकारी योजना बनेगी। और मूल रूप से यही बात है। और आज सबसे बड़ी आवश्यकता इसलिए है कि संख्या के बारे में बहुत तरह की भ्रांति है। आप अलग अलग सामाजिक वर्ग के लोगों से मिलिए, पूछिए, अलग अलग जात के लोगों से पूछिए, वो अपनी संख्या जितना जितना प्रतिशत बताएंगे अलग अलग जात के लोग, उस सबको जोड़ दीजिएगा तो 400-500% हो जाएगा। अलग अलग जोड़ कन्फ्यूजन बहुत है, कन्फ्यूजन है सब। ये सारे लोग, मतलब सबसे बड़ी इसकी आवश्यकता इसी कारण से है कि एक बार गिनती सही सही सारे लोगों की हो जाएगी, फिर सब लोगों को असली स्थिति का पता रहेगा। और असली स्थिति का पता रहेगा, आधिकारिक आंकड़े रहेंगे, तो किसी को किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहे। तो प्रधानमंत्री से भी पिछले साल मुलाकात की थी, बातें हुई, लेकिन फिर बातें केंद्र की ओर से नहीं मानी गई, अंतर्गत आपको ये फैसला लेना पड़ा। बिल्कुल, उन्होंने तो कह दिया, हम लोग तो मूल रूप से चाहते हैं जो ये जो 2021 की जनगणना होनी है वही जाति आधारित हो। हम लोग की मांग भी वही थी, उस समय हम विधानसभा अध्यक्ष थे, सर्वसम्मत प्रस्ताव भी यही था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने कहा कि अब हम नहीं कर सकते हैं, तो उस हालत में हम लोगों ने अपने स्तर से किया। अंतिम सवाल, ऐसा लगता है बीजेपी जब उस वक्त आप लोगों के साथ प्रतिनिधिमंडल में साथ गई थी, अभी भी जब राहुल गांधी मांग कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं, तो लगता है कि केंद्र सरकार मानेगी, क्योंकि एक बार संसद में मना कर दिया गया है? देखिए, अब मानेंगे कि नहीं मानेंगे ये तो उनका फैसला होगा, लेकिन हम लोगों की सोच है कि जो भी आदमी सही दृष्टिकोण रखेगा, सोचेगा, तो वो मानेगा, क्योंकि आखिर उनके भी तो प्रतिनिधि थे हम लोगों के साथ। नहीं, आप तो एक तरह से केंद्र सरकार की नीति पर सवाल खड़े कर रहे ना कि मानेंगे कि नहीं मानेंगे। नहीं, वो तो वही ना कहे, अब वो मान लेंगे या नहीं मानेंगे हम कैसे कर सकते हैं। मान लेते तो बेहतर होता है, निश्चित। हम लोग तो मानने ही के लिए कह रहे हैं। देखिए, विजय चौधरी हमारे साथ थे, क्या कुछ उन्होंने कहा प्रधानमंत्री से जब मुलाकात हुई थी, क्या कुछ उन्होंने बातें की, क्या कुछ बातें साझा की, और जाति आधारित गणना तो बिहार में कराई जा रही है, क्या देश में कराई जाएगी, एक बड़ा सवाल है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज पर लाइक करें। नीतीश मॉडल की बात होती है, क्या नीतीश मॉडल बिहार में लागू होगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज पर लाइक करें। धन्यवाद।